अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल अज़ीज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। पहाड़े शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके शाहीन नगर में एक घर में अचानक आतिशजदगी का वाकया पेश आया है। घर वालों का कहना है कि यह आग जान पूछ कर लगाई गई है। आइए सुनते हैं ये घर वालों का क्या कहना है। नाम सिराज, मेरा नाम सिराजु निसाम बेगम है। मेरे ज़मीन के बारे में, मेरे दो लड़कों को मार के ज़ख्मी कर दिए। उन लोगों के ऊपर 307 147 ये दफ़े लगाए, और जो सामने जो हमारे लड़कों को मारे उन लोगों को कोई नहीं, उन लोगों को छूट दे दिए। और ये पहाड़ी शरीफ पीएस जो है CI और SI इन लोगों सब खामोश तमाशा देख रहे हैं इन लोग हमारा। हाँ, कुछ एक्शन नहीं ले रही। और कमिश्नर साहब से, उनसे सबसे मेरी गुजारिश है कि फौरी एक्शन लिए, हमारे जानों का धोखा है और गला दिए हमारा। हम लोग बहुत परेशान हैं, घर में कोई जेंट्स नहीं थे, लेडीज़ है, सिर्फ मेरा नवासा, पोतरा, बच्ची और बहू, मैं, मेरी भांजी, ये बस 4-5 लोग ही थे घर में। हम लेडीज़ है, सो देखिए वाकया हुआ। देखिए जब मेरा बच्चा खांस, गर्मी के लिए हम ना विंडो खोल के रखे, विंडो में से धुआं अंदर आ रहा था, बच्चा बहुत सफोकेट हो रहा था। देखे तो वहाँ पर आग लगी हुई थी, वाइस के टुकड़े पूरे जल रहे थे, एक गाड़ी को भी आँच लग गई थी, दो बाइकें जल गए, जीप जल गई, बस जल गया। वो देख के हम ना जल्दी जल्दी अंदर चले गए। बाहर पूरे दरवाजे गर्म हो गए थे तो अंदर चले गए, डर के चले गए, तो वहाँ पर भी पूरा सफोकेशन हो रहा, कैसा कि करके बाहर निकल गए। छोटे छोटे बच्चे, 1.5 साल का बच्चा एक है, 3 साल का बच्चा एक है, फिर हमारे सास है, मम्मी है, उनको क्या बोलते सो पैरों में दर्द है, चलने नहीं आता। इन ये बाजी भी क्या बोलते सो एकदम फेंट हो जा रहे थे सफोकेशन से। 3:30 बजे हुआ ये, और डेढ़ नहीं, जेंट्स नहीं थे कोई भी। हॉस्पिटल में जगने थे ना, जगने की रात के दिन ये इंसिडेंट हुआ। हमारे देवर और मेरे शौहर है कि हॉस्पिटल में एडमिटेड है। शौहर को सर पे मार दिया, गनेटों से मारे, खून के उल्टियां हो रहे थे उनको, सीरियस है उन्होंने, स्टिचेस लगे। देवर को है कि पैरों पे मारे, कत्तों से मारे, पैरों पे पूरे क्रैक्स आ गए, शोल्डर बोन भी क्रैक हो गई उनकी। उन्होंने है कि उधर फ्रैक्चर के लिए है, उधर दोनों क्या बोलते हैं जेंट्स हमारे हॉस्पिटल में एडमिटेड है, खाली लेडीज़ है बोल के घर पे देख के फ़ायदा उठा लिए। घर पे हमला था, घर पे हमला, आज हमला हुआ हम लोगों के ऊपर। हम लोग बाले बाल बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे, कुछ हो जाता तो कि कौन जिम्मेदार है। हम लोग तो पहाड़ी पुलिस से तो गुजारिश कर रहे हैं, हमारी हेल्प करिए प्लीज़, छोटे बच्चों पर हम पे रहम खाइए, बस और कुछ भी नहीं। कोई एक्शन नहीं ले रहे, कम से कम औरत है बोल के तो थोड़ा तो ये करना। छोटे छोटे बच्चे देखो, ये बच्चे की हालत, छोटे छोटे बच्चे मालूम मौत के मुंह से बाहर निकले हम लोग। वो बच्चा तो एकदम छोटा, 1.5 साल का, 1.5 साल का बच्चा है। सब अगर नहीं निकलते तो हम लोगों का हो गया था, पूरा मर जाते थे। देखो बताओ, अब हमारी यही गुजारिश है कि पुलिस वाले हमारी मदद करिए कैसा भी करके, हमारी जानों को धोखा है, हमारी हेल्प करिए कैसा भी। ACP ये सब लोगों से
A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर बीटी रोड से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट राजेंद्र नगर हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।